मैं आदित्य त्रिपाठी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कुछ पंक्तियां निवेदित करते हुए, आज़ादी के बाद भी पश्चिम के देशों को ये लगता था कि भारत में कोई ज्ञान नहीं है, कोई विज्ञान नहीं, कोई धर्म नहीं। किस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन में पूरी दुनिया को अचंभित किया, उनकी मानसिकता को खंडित किया, उनके लिए कुछ पंक्तियां। जब सस्य श्यामला वसुधा का यह गौरव ज्ञान संकित था, दुनिया के मानचित्र पर जब पश्चिम का वैभव अंकित था, हम देश महज पाखंडों के हैं तब दुनिया को लगता था, हम अंध भक्त हैं पंडों के यह तब दुनिया को लगता था। वो कहते थे कि भारत में है तर्क युक्त कोई ज्ञान नहीं, हम सब मूर्ख अज्ञानी हैं, कोई धर्म नहीं विज्ञान नहीं। तब हुआ शिकागो सम्मेलन सब धर्मों की परिपाटी का, जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी का, जिसके शब्दों को सुनकर सभा समूची मौन हुई, सब मान गए उस ज्ञानी से तो सबकी बुद्धि गौण हुई। सब धर्मों को आदर देते वो बोले मधुरिम वाणी में, भारत है उच्च हिमालय में, भारत गंगा के पानी में, भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है, भारत ने ही दुनिया की हर संस्कृति को स्वीकारा है, अतीत पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है, सभी श्रेष्ठ हैं धर्म देश पर माँ तो भारत माता है। सब लोगों ने विस्तार बताया अपने अपने धर्मों का, उस युवा संत ने भारत को आधार बताया धर्मों का, तर्क नहीं कोई काट सका जो धर्म सभा में बोल गए, भारत का वैभव बतला कर वो नेत्र सभी के खोल गए। हम जीत गए थे धर्म सभा पर नहीं किसी की हार हुई, उस दिन तो सारी दुनिया में भारत की जय जयकार हुई, भारत की यशो पताका के नव गीत बने, नव छंद बने, वो युवा संत सन्यासी ही दुनिया में विवेकानंद बने। लक्ष्य बनाकर साहस से हम सबको बढ़ना सिखलाया, विघ्नों से या बाधाओं से हिम्मत से लड़ना सिखलाया, वो कहते थे कि भारत की सेवा ही कर्म हमारा हो, इस सस्य श्यामला वसुधा की सेवा ही धर्म हमारा हो, हम में अतुलित बल साहस है हम हर मंजिल को पाएंगे, भारत माता की जय करने हम पूर्ण व्योम में छाएंगे, भारत माता की जय करने हम पूर्ण व्योम में छाएंगे।